Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सोमवार को सुबह सुबह दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सड़कों पर उतरकर निरीक्षण किया। सिर्फ सीएम ही नहीं, दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री भी एक्शन मोड में नजर आए। सड़कों को देखने के बाद उन्होंने माना कि दिल्ली की सड़कों का बहुत बुरा हाल है, जगह जगह से टूटी हुई हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें एक पत्र दिया है जिसमें लिखा है कि दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हों। आतिशी ने बताया कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों में सभी सड़कों को बनाया जाएगा। सरकार की कोशिश रहेगी कि वो दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली दिवाली तक दे सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन तक लगातार आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और मैंने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की सड़कों का निरीक्षण किया और ये निकला कि दिल्ली की सड़कें, जैसा आप सबको पता है, बहुत बुरे हाल में है, जगह जगह टूटी हुई। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में मुझे एक पत्र भी दिया और दिल्ली की सड़कें जल्द से जल्द ठीक हो उसका आह्वान भी। आज दिल्ली सरकार के सारे मंत्री ग्राउंड में उतरे हुए हैं, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में उतरे हुए हैं। ये फैसला कल एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग में हुआ है। अलग अलग मंत्रियों ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की जिम्मेदारी ली है। मैंने खुद साउथ ईस्ट दिल्ली की सारी सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। सौरभ भारद्वाज जी ने ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। गोपाल राय जी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कें निरीक्षण करने की जिम्मेदारी ली है। इमरान हुसैन जी सेंट्रल और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। कैलाश गहलोत जी साउथ वेस्ट दिल्ली, आउटर दिल्ली, और मुकेश अहलावत जी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। इस समय सुबह 6:30 बजे दिल्ली सरकार के सारे मंत्री दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण करने में उतरे हुए हैं। आने वाले एक हफ्ते में पीडब्ल्यूडी की जो 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं, एक एक इंच सड़क का पूरा निरीक्षण होगा, का इंस्पेक्शन होगा कि जहां पर भी गड्ढे हैं, जहां पर भी सड़क टूटी हुई है, या जैसे आज जो हम यहां पे एनएसआईसी मेट्रो स्टेशन के सामने खड़े हैं, यहां पर बीएसईएस की लाइन डली। बीएसईएस की लाइन डलने के बाद सड़क का रिपेयर ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना सिर्फ सड़क टूटी हुई है बल्कि पूरे एरिया में जाम भी लगता है। तो इस तरह एक एक इंच सड़क का निरीक्षण होगा और उसके बाद आने वाले 3 से 4 हफ्ते में सभी सड़कों को बनाया जाएगा, सारे पॉटहोल्स को रिपेयर किया जाएगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि दिवाली तक हम दिल्ली वालों को गड्ढा मुक्त दिल्ली, पॉटहोल फ्री दिल्ली दे सकें।